आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फ्राई कलेजी। उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, तेल। और सबसे पहले कलेजी में सिरका और नमक नहीं डालना। अब ये देखें हमारे ये सारे मसाले हैं और ये मैंने कलेजी को अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। मैं आपको कलेजी वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी। हमने कलेजी में आधा कप दूध डाल के रख दिया था, उसको थोड़ी देर के बाद धोएंगे तो वो देखें ये मेरी कलेजी इतनी अच्छी तरह से वॉश हो चुकी है। अब इसमें हम जो मसाले ऐड करेंगे वो ये हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे मैरिनेशन के लिए कलेजी को, कम से कम आधे घंटे के लिए। देखें मैंने कलेजी को मैरिनेट कर दिया है। अभी हमारी कलेजी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और मैंने अब चूल्हे पे कढ़ाई में तेल डाल के रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्याज का पेस्ट डालूंगी। पेस्ट डाल के इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। अब ये देखें हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। और ये कलेजी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी अब वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें हमारी कलेजी अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुकी है और लास्ट में इसमें मैंने नमक ऐड किया। अब मैं इसके गार्निश के लिए धनिया और जो अदरक हरी मिर्चें काट के रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब भाई इसको हमने डिश आउट कर दिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।